पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे ज्यादा बड़ी डिमांड है वो ये है कि फखर जमान को ओपनर लेकर आया जाए पाकिस्तान T20 टीम के अंदर और साइम अयूब को बाहर किया जाए। साइम की फॉर्म अच्छी नहीं है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी अब ये सोचने पर मजबूर है कि फखर जमान को ओपन करवा लिया जाए, लेकिन मैं सोचता हूं कि फखर जमान को ओपन नहीं करना चाहिए। अब बहुत से लोग आकर कहेंगे कि भाई तुम क्यों कह रहे हो फखर जमान को ओपनर नहीं होना चाहिए, तो उसका जवाब मैं जो है आपको इस वीडियो के अंदर दे दूंगा कि क्यों फखर जमान को ओपन नहीं करवाना चाहिए, किसी और जोड़ी को ओपनिंग करवानी चाहिए। फखर जमान को हर सूरत में नंबर 4 पर ही खिलाना चाहिए, ये मैं सोचता हूं और मैं ये प्रूफ भी दूंगा कि क्यों मैं ये कह रहा हूं कि फखर जमान को नंबर 4 पर खेलना चाहिए। बहुत से लोगों का मानना यह है कि अगर साइम अयूब तेज खेलने वाला बंदा नहीं होगा तो फखर जमान तेज खेलने वाला बंदा है तो उसको जो है आप ओपनर खिलाओ रिजवान के साथ और रिजवान और फखर जमान जो है ओपन कर लें, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर आप फखर जमान को नंबर 4 से हटाकर ओपनर के तौर पर लेकर आते हो और अगर खुदा ना खास्ता फखर जमान ओपनर के तौर पर भी फेल हो जाते हैं, जो अभी वो मिडिल ऑर्डर में रन्स कर रहे हैं अगर वो ओपनर के तौर पर भी नहीं देंगे तो जो हमारा मिडिल ऑर्डर का मसला पहले से खड़ा है वो और बड़ा मसला बन सकता है। पहली तो बात, साइम अयूब 15वें जगह बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो एक अलग साइड अप पे रख देते हैं। अब बाबर आजम वन डाउन पोजीशन पर आ चुके हैं तो आपके पास उस्मान खान भी हैं। बहुत से लोगों का मानना यह है कि फखर जो है ओपनर चले जाएं रिजवान के साथ और बाबर वन डाउन पर और 4 पर आप उस्मान खान को खिला लो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि उस्मान खान या तो ओपनर या फिर वन डाउन, क्योंकि आपका वो एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप PSL से लेकर आए और PSL में उसने परफॉर्म किया है एज एन ओपनर और वन डाउन पोजीशन पर, और अगर आप उस यंगस्टर को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं खिलाओगे, उसको नंबर 4 पर जो कि मुश्किल तरीन पोजीशन है T20I के अंदर उस पर खिलाओगे तो वहाँ पर उसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, तो वो उस प्लेयर के साथ भी ज्यादती है। और आप फखर जमान को नंबर 4 पर ही रखो। कुछ मैं स्टैट्स आपको बताता हूँ, उसके बाद आप लोगों को ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि क्यों जो है फखर जमान को नंबर 4 पर ही खेलना चाहिए। पहले तो मैंने बता दिया कि अगर ओपनर जाते हैं तो आप वो ओपनर नहीं चलते तो आपके मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम भी वहीं का वहीं बन जाएगा और आपका ओपनर का मसला भी खड़ा हो जाएगा। पर अगर फखर जमान के कैरियर का ब्रेकडाउन करें तो पहले 10 T20I इंटरनेशनल्स के अंदर हम बात करें तो फखर जमान ने सिर्फ 133 रन किए और इनकी स्ट्राइक रेट जो रही है 109 की और इनकी एवरेज जो है वो 14 रन की रही है पर इनिंग्स, और यहाँ पर इन्होंने 12 चौके और 2 छक्के लगाए। उसके अलावा हम 25 जनवरी से 8 जुलाई 2018 तक जो इनका पीक टाइम रहा एज एन ओपनर उसकी बात करें, यहाँ पर इन्होंने ट्राई सीरीज़ के अंदर ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म किया, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी परफॉर्म किया, यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा खेले, वर्ल्ड 11 के खिलाफ भी ये खेले थे, तो उस दौरान इनकी जो काफ़ी अच्छी फॉर्म रही है उस दौरान इन्होंने जो है 513 रन स्कोर किए 42 की एवरेज से और 156 के स्ट्राइक रेट से रन किए थे, 4 50 इस दौरानिए में इन्होंने स्कोर की। उसके बाद जो इनका लास्ट T20Is जो हैं, जो है लास्ट 18 T20I एज एन ओपनर जब इनको ओपनिंग से हटाया गया था, ओपनिंग से हटाने की वजह असल ये थी, ये 18 इनिंग्स थी जिसकी वजह से फखर जमान को ओपनिंग से हटाया गया था, तब फखर जमान ने जो है यहाँ पर 17 इनिंग्स में 152 स्कोर सिर्फ किए थे और यहाँ पर इन्होंने 11 की एवरेज और 109 के स्ट्राइक रेट से रन किए थे और इन 18 इनिंग्स में 050 थी, 22 चौके और 5 छक्के इन 18 इनिंग्स में शामिल थी। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके जो टॉप एंड मिडिल ऑर्डर में जो बारियां आई 2023 के बाद, उसके बाद जब 2021 से 2023 तक जब रिजवान को ओपन कर दिया, फखर जमान को नंबर 3 नंबर 4 पर खिलाते रहे, तब 31 इनिंग्स में इन्होंने 595 स्कोर किए 21 की एवरेज से और 120 का स्ट्राइक रेट था इनका और 4 50s थी, जबकि 49 जो है फोर्स और 23 जो है इनके सिक्सेस थे। अगर हम लास्ट 7 इनिंग्स की बात करें जो इन्होंने नंबर 4 पर खेली हैं न्यूजीलैंड की सीरीज तक, जो पिछली सीरीज हुई है उस सीरीज तक हैं, ये आयरलैंड वाले स्टैट्स इसमें शामिल नहीं है, 230 रन इन्होंने स्कोर किए 7 इनिंग्स में 32 की एवरेज से और 150 के स्ट्राइक रेट से 250 इन्होंने स्कोर की हैं और 15 चौके और 15 छक्के जो है इस दौरान इन्होंने लगाए हैं। उसके अलावा फखर जमान की अगर हम हर बैटिंग पोजीशन के हिसाब से मैं आप लोगों को स्टैट बताऊँ तो एज एन ओपनर इनके 36 इनिंग्स से 812 रन है, 22 की एवरेज से रन आए हैं, 136 का स्ट्राइक रेट है, नंबर 4 बार इनके जो है वो 10 इनिंग्स है, 271 रन हैं, 27 की एवरेज है, 155 का स्ट्राइक रेट है, तो
यहाँ पर नंबर चार पर सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट जो है फखर जमान का रहा है, नंबर तीन पर 117 का स्ट्राइक रेट है, नंबर पांच पर 102 का है और नंबर छह पर सिर्फ 100 का स्ट्राइक रेट है। तो चार फिफ्टीज एज एन ओपनर हैं 36 इनिंग्स में, और वहीं चार फिफ्टीज जो है नंबर तीन पर हैं और दो फिफ्टी जो है वो नंबर चार पर इन्होंने स्कोर की है। तो ये इनका कैरियर ब्रेकडाउन है। जिससे मैं स्टैट्स को देखूं तो इनके जो स्टैट्स हैं वो नंबर फोर पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं और 155 के स्ट्राइक रेट से वहाँ पर खेल रहे हैं, क्योंकि फखर जमान थोड़ा सा टाइम लेते हैं उसके बाद मारना शुरू करते हैं, फखर जमान भी टाइम लेते हैं। ये कोई ना कहे कि फखर जमान टाइम नहीं लेता, फखर जमान भी स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम लेता है उसके बाद मारना शुरू करता है और खास करके स्पिनर्स के ऊपर अटैक करते हैं। पीएसएल में भी देखा है कि पहले 6 ओवर वो गुजारने की कोशिश करते हैं उसके बाद स्पिनर्स के ऊपर अटैक करते हैं। तो फखर जमान को अगर आपने सही तरह से यूटिलाइज करना है तो नंबर चार बेस्ट है, और वेस्ट इंडीज के अंदर स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा ओवर्स मिलेंगे तो वहाँ पर फखर जमान उनको अटैक भी कर सकता है। तो फखर जमान नंबर चार पर ही रहने चाहिए। जब फखर जमान को नीचे लेकर गए थे तब रिजवान को ओपन करवाया था, रिजवान की जगह फखर जमान को लेकर गए थे, तो रिजवान ने एज एन ओपनर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, फखर जमान ने एज एन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नंबर फोर पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब इन दोनों की पोजिशन को चेंज करना मेरे ख्याल में गलत होगा, और फखर जमान को दोबारा अगर ओपनर लेकर आते हो तो बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन होगा। आप लोगों की राय शायद मुख्तलिफ हो, लेकिन मैं जो चीज़ें समझता हूँ और जो मैंने उसके कैरियर का अंदाज़ा लगाया उससे मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए फखर जमान नंबर चार पर ज़्यादा बेस्ट सूटेबल बैट्समैन है जो पाकिस्तान को ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पर सर्व कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।